लीजिए दोस्तों, यहाँ से ये जो है चमंडा वाला रोड है, वहाँ इधर चमंडा चला गया, इधर पीछे हम जहाँ से आ रहे हैं पालमपुरा है, और यहाँ जा रहे हैं जीवा वैली को, ये चमेटू। तो ये अंकल ने अपनी गाड़ी बसा दी है, वो है होटल बोर्ड, वो देखो चमेटू। ये एक शॉप मिल गई है ना चाय पानी वाली स्टार्टिंग में, और आगे चलते जाओ, देखते हैं रोड कैसा है, पहली बार जा रहे हैं जिया को, वो देखो होटल ऊपर जिया वैली, पहले ही रोड दिखा दिया थोड़ा सा टूटा। हाँ जी, बस सारे पालमपुर से कौन सा होटल आ गया, ये देखो बठिंडा की गाड़ी भी यहाँ घूम रही है बंदे की, ये चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, काफी हाइट है, रास्ता थोड़ा सा खराब है यहाँ से, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक है। ये आ गया कौन सा, चमोटू। चमोटू से 3 मतलब टोटल 3 किलोमीटर है जी, हाँ वाटरफॉल तो आगे होगा मेरे ख्याल में। ये पहाड़ के ऊपर कुछ ऐसी फीलिंग है अपनी, वो दुल्हादार वाली, ये बंदर लग रहा है मेरे को, बंदर है चमेटू का बंदर, जिया वैली का काफी लिखा हुआ है जिया वैली। ये आ गया छोटा सा गांव इंटरनेशनल स्कूल ने खोला हुआ है, आगे क्या आ गया है दियाला, दियाला 2 किलोमीटर है। ये पहले गियर पे चढ़ गई गाड़ी, इधर उधर देखो देखो कहाँ जा रहा है जिया वैली, वो लिखा जिया सामने, जिया आ गया लगता ना, जिया जिया आ गया पीछे, ये शुरू हो गया जिया, इधर में पालमपुर निकलता रास्ता है। हाँ जी हाँ जी, तो पालमपुर 15 किलोमीटर है, पहले भी उन्हें बाया जिया हो गया पालमपुर जी, आप पालमपुर में बारिश हो रही लग रही, यहाँ पे देखो ना बारिश वाला फीलिंग आ रही है। प्रॉपर है, प्रॉपर गांव है ये जिया का, सीमेंटेड रोड है, आगे तो ठीक, पहले थोड़ा सा खराब था, अब तो ठीक आ गया। ये देखो उधर देख पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, विक्ट्री बनी, वो धूप लग रही है, वो बीच में बादल देखा नहीं, इसने बंदे ने देखा नहीं गाड़ी मोड़ने के पहले, ऐसे ही लगता है नाड़ी जिया ड्राइवर, देखना गाड़ी ना ठोक दे, एसी बंद करो, एसी नहीं बंद कर दे गड्डी का, इस करके लोड ज्यादा लेती गड्डी। वाओ ब्यूटीफुल, ओह वैलियां देखो इधर, वो दे ऊपर बादल कैसे एज पे छू रहे हो, अरे पानी देखो पानी कैसे आ रहा है वाले ना, ये पानी के लिए स्टोरेज है यार, और इग्लू नहीं सके इधर टैंकी आनी है, बहुत बढ़िया एडी ओडी दुकान है, और ओडी सा ना इतने क्या जेरा लोकर पता नहीं क्या, तो थोड़ा भी आंदा जी यहां पर क्या है, आगे आ गया पहले गियर पे गाड़ी जाएगी, काफी हाइट है एकदम से, गाड़ी ना आए तो ठीक है, गाड़ी आ जाए फिर दिक्कत होती, ये शाबा चढ़ गई, काफी हाइट है, खड़ोता वैली वर्ग का हिसाब है,
ਬਟ ਸਰ ਆ ਗਏ ਲੈਫਟ 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 ਹਾਂ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਈ 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 ਜਿਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਨਸ ਹੈ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨੀਚੇ हाँ जी हाँ जी देख वाह क्या है सीन भाई वो देख उधर रास्ता छोटा है रास्ता छोटा है ओ ओ ओ देखो चिट्टी चिट्टा पानी ओ देखो भाई रोड क्या है उधर की नहीं रोड अंदर तेज शांत रोड खराब है सारा आगे वाला ट्रक जा रहा इन 400 मीटर्स स्लाइट लेफ्ट ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜੀਆ ਵੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੈਲੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੱਚਾ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਸਾਜੀ ਉਸਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੁੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ अपना वाटरफॉल इस तरफ है हेलो घंटी मारना वाटरफॉल यहाँ है आगे ये रिसोर्ट है ये तो बड़ा बढ़िया बनाया उनका रोड तो बना लो रोड बना इधर खड़ी करो इधर उधर करो इधर करनी सी कारण और क्या हुआ एंड ऑफ टाइम लस्सी हो गई जो जिया वाला बैली जो वाला वाटरफॉल है वहाँ पर मतलब डैम का वो शुरू हो गया प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वालों का तो इसलिए खत्म हो गया काम तो यहाँ आना मतलब बेकार हो गया चलो बाकी वैली देख रहे हैं वैली का मजा लेंगे चेक पोस्ट प्रोहिबिटेड एरिया नो प्राइवेट व्हीकल अलाउड बिहाइंड दिस पॉइंट क्योंकि यहाँ पर डैम का प्रोजेक्ट शुरू हो गया और नीचे देख वाटर कैसे इकट्ठा हो रहा है स्टोरेज है वाटर की स्टोरेज ब्यूटीफुल ये नीचे देखो पानी की स्टोरेज कैसे थोड़ा सा पास जा कर देखते हैं वो देखो पानी कैसे जा रहा है वो लगा बनाया वो इन्होंने टर्बाइन टाइप बनाया होगा मेरे को लगता है वो पानी की स्टोरेज पानी की आवाज़ देखो कैसे आ रही है ये देखो पानी इधर आ रहा है वो देखो ऊपर देखो बारिश वाला माहौल है और ये क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पानी कहीं भी पड़ सकता है इसलिए नदी के अंदर जाना वर्जित है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा तो मत आना यहाँ ऊपर तक मत आना यहाँ लैंडस्लाइडिंग बहुत खतरनाक वाली हुई हुई है तो गाड़ी के ना टायर घूमते हैं और बहुत बहुत छोटा रोड है आप समझ लीजिए तो बेटर है कि अगर फैमिली बच्चों के साथ है तो बिल्कुल पंगा नहीं लेने का आराम से नीचे जिया है जिया के आसपास वैली बहुत अच्छी वहाँ रहने के लिए जगह है वहाँ एंजॉय कर सकते हो हम तो वाटरफॉल ऊपर वाले यहाँ दो तीन वाटरफॉल और हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है पूरा लैंडस्लाइडिंग और नीचे लैंडस्लाइडिंग को सेट किया हुआ और इधर भी लैंडस्लाइडिंग देखो पूरी और देखो डार्क हो जा रहा सारा पूरी तरह से डार्क हो रहा है